करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ। 8 मई की तारीख पूरी दुनिया में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के जागरूकता के संदेश के साथ आती है और ये वही 8 मई की तारीख है जो कि हमें एक ऐसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक रहने की, सजग रहने की सीख भी देती है। जी हाँ, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर आज हम बात करेंगे किस तरह से इस गंभीर बीमारी को लेकर समाज में, देश और दुनिया में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आज नहीं, कल नहीं, बल्कि अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है थैलेसीमिया प्रभावितों की सेवा के लिए और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के इस खास मौके पर हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं और उनके दिल की बात को जानने समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रजनी भंडारी जी उनका नाम है, जो कि लगातार थैलेसीमिया प्रभावित बच्चों के लिए काम करती हैं और थैलेसीमिया चाइल्ड एंड वेलफेयर ग्रुप की वो संस्थापिका हैं, प्रमुख यहाँ पर दायित्व निभा रही हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर रजनी भंडारी जी ने अपना पूरा जीवन थैलेसीमिया इस गंभीर बीमारी के खिलाफ एक शंखनाद के साथ जो है बिताया है और लगातार वो जो है देश में, समाज में जो प्रभावित बच्चे हैं उनकी सेवा के लिए जो है लगातार समय निकालती हैं और संस्थागत रूप से भी उनकी मदद करती हैं। मैम, सबसे पहले तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, कैसे आप एक अवेयरनेस का मैसेज जो है पूरी देश और दुनिया को देंगी ताकि इससे जो है निजात मिल सके, मुक्ति मिल सके? सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपने सबसे पहले ही मुझसे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया। जी, जी, क्योंकि 8 मई आता है, जाता है, निकल जाता है, लेकिन वो नहीं होता जो हम चाहते हैं कि 8 मई पर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैलेसीमिया बीमारी जैसा कि आपको पता ही है करीब 27 साल पहले डायग्नोस हुई थी और तब से अब तक इस बीमारी के प्रति, इलाज के प्रति सरकार ने बहुत काम किया है। जी, जी। और जो ट्रीटमेंट के हर पहलू को सरकार छू रही है, जैसे दवाइयां दे रही है, उनके लिए डे केयर सेंटर बनाया, अभी इंदौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया है एमवाई में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन बच्चों को हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो इंदौर में बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं और ब्लड डोनेशन के लिए भी बहुत लोग आगे आते हैं। मतलब कि हमें ब्लड डोनेशन की कमी कभी महसूस नहीं होती, लेकिन किस चीज़ की कमी मुझे हमेशा महसूस होती है, उस बात का जिक्र मैं आज आपकी न्यूज़ के माध्यम से पब्लिक से करना चाहूँगी। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जो पिछले 4 सालों से हम लोग चला रहे हैं और उसे हमने नाम दिया है लेट अस मेक इंदौर एंड इंडिया थैलेसीमिया फ्री टिल 2025। क्योंकि इतने सारे बीमार बच्चे हैं, करीब 10,000 पेशेंट हर साल पैदा होते हैं, और अगर आप देखें तो अभी थैलेसीमिया पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई थी, वहाँ मैं गई थी, तो ये बताया गया है कि 1 से 1.5 लाख पेशेंट हमेशा हमारे भारत में हैं थैलेसीमिक, जिनको दवाई की ज़रूरत है, जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इतने सारे बीमार बच्चों को और आगे पैदा करते चले जाना और उनके ऊपर समाज का, सरकार का एक बहुत बड़ा पैसा भी खर्च किया जाना और साथ में मेंटल टॉर्चर, माँ बाप को, सरकार को एक बर्डन महसूस करना, क्या ज़रूरी है? मेरा ये क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हम इस बीमारी के ऊपर रोक लगा सकते हैं। हमने ये कहा कि लेट अस इरेडिकेट थैलेसीमिया। इरेडिकेशन मींस कि जो बच्चे आगे पैदा हों वो हेल्दी पैदा हों, उनको थैलेसीमिया बीमारी ना हो। अब इसके लिए हमें क्या करना है? बिल्कुल, मैं वही सवाल आपसे करने वाला था कि क्या हमें विवाह के दरमियान एक ऐसी जाँच भी कर लेना चाहिए ब्लड ग्रुप की, जिसके बाद जो है इस थैलेसीमिया मुक्त भारत का जो सपना आपने देखा है उसे साकार किया जा सके? मैंने नहीं देखा, जितने भी लोग थैलेसीमिया के लिए काम कर रहे हैं आजकल सबका एक ही फोकस है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि ट्रीटमेंट इज, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉस्टली एंड वेरी, क्या कहूँ, असंभव भी है, अगर मैं कहूँ पेनफुल भी है। जी, जी। तो आपने बोला कि शादी से पहले ब्लड ग्रुप पता हो, तो ब्लड ग्रुप्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअली शादी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप थैलेसीमिया के कैरियर हैं कि नहीं। तो कैरियर है कि नहीं ये जानने के लिए बहुत सिंपल सा आपको टेस्ट करवाना है। हम पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करने की एडवाइस करते हैं और स्क्रीनिंग में अगर कोई सस्पेक्ट लगता है तो उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो अगर आपके पास
थैलेसीमिया स्टेटस की रिपोर्ट है शादी से पहले, तो आपको एक सिंपल सी प्रिकॉशन रखनी है कि दो कैरियर का आपस में विवाह नहीं हो। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन इस सिंपल सी चीज पर भी फोकस नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है, अवेयरनेस की कमी है, और अवेयरनेस की अवेयरनेस के लिए आप लगातार मेहनत भी कर रही हैं कई सालों से। और अभी एक और बात का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि एक तो आपको सबको थैलेसीमिया स्टेटस की रिपोर्ट अपने पास होना चाहिए और वो आपको साथ में रखना है। मैंने बहुत बार इस न्यूज के माध्यम से, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ वो मैं पहले करूंगी। बहुत सालों से हम लिख के दे रहे हैं बार बार गवर्नमेंट को कि आप एक ऐसा नियम बनाइए कि जब हम शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको पता है आजकल सब लोग रजिस्टर कराते हैं शादी, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं आपके पास थैलेसीमिया स्टेटस रिपोर्ट होना जरूरी है। अगर सरकार ये नियम बना देगी तो सारे के सारे लोग इस फील्ड में आके टेस्ट कराएंगे, और जो हम चाहते हैं कि एक रोक लगना शुरू हो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मांग है जो मैं आज सरकार से करना चाहती हूँ, मैं क्या सारे लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं सबका ध्यान आकर्षित करूंगी, करीब 6-7 साल पहले हमने सारे गायनेकोलॉजिस्ट को एक लेटर लिखा था, उसमें हमने सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जब आपके पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो आप उसको बहुत सारे टेस्ट एडवाइस करती हैं ये देखने के लिए कि कैरिंग चाइल्ड हेल्दी है कि नहीं, तो आपको साथ में थैलेसीमिया के लिए भी जांच लिखना जरूरी करें, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए गायनोकोलॉजिस्ट को। लेकिन अभी जो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है कल, और जो नेशनल थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस में सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बात की, वहाँ ये बात निकल के आई कि जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो कई बार बहुत निग्लिजेंट हो जाती हैं, वो थैलेसीमिया के लिए जो लिखना है टेस्ट वो नहीं एडवाइस करती, और कैरिंग चाइल्ड को थैलेसीमिया हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस फैमिली में थैलेसीमिया है उस फैमिली की कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसका एंटीनेटल डायग्नोसिस होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर सरकार की तरफ से सारे गायनेकोलॉजिस्ट को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक ये इंडिकेशन जाएगा, एक ये आदेश जाएगा कि आप जैसे सारी जांचें लिखती हैं आप सिंपल एक ये जांच भी लिखिए, तो ये जो हमारा प्रयास है, जो आपका प्रयास है, जो सभी लोगों का प्रयास है, उस पर कहीं ना कहीं सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत बड़ी बात है, और ये भी कहा जा सकता है कि सरकार तो अपने स्तर पर हर प्रयास करती ही है, लेकिन आपको और हमें भी जागरूकता का यहाँ पर परिचय देना होगा। और जिस तरह से डॉक्टर रजनी भंडारी जी हमें बता रही हैं कि कितनी लंबी जद्दोजहद जो है जिंदगी में आ जाती है, कहा जा सकता है कि कई जिंदगियाँ, कई कुटुंब जो हैं प्रभावित हो जाते हैं यदि छोटी सी भूल हो जाए और ये जांच ना हो पाए। बहरहाल यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समाज को आगे आकर के स्वीकार भी करना होगा, ताकि आने वाले दिनों में हम इंदौर से यदि इसकी शुरुआत करते हैं तो थैलेसीमिया फ्री इंदौर की हम परिकल्पना को साकार कर पाएं जो कि इंडिया तक पहुंच जाए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैडम लगातार कई सालों से थैलेसीमिया एंड चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप के जरिए तमाम प्रभावित बच्चों की ना केवल मदद करती हैं बल्कि माता पिता की काउंसलिंग भी करती हैं, और कई बार तो हमने देखा है कि कोरोना काल जैसे विपरीत दौर में भी जो है उन्होंने घर घर जाकर सेवा की है, कई बार जागरूकता का अलख जगाया है, सरकार को जगाने का काम भी आप जैसी समाज सेविकाएं लगातार करती आ रही हैं। मैडम, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, बहुत संक्षिप्त में आपके दिल की बात क्या है, क्योंकि जब से आपने ये लड़ाई, ये संघर्ष शुरू किया, बहुत सारे ऐसे मौके भी आते हैं जब आपकी भी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, कई परिवारों को जब आप रोते बिलखते संघर्ष करते आप देखते हैं तो किस तरह से दिल भी जो है पसीज जाता है, क्योंकि महिला नेतृत्व, नारी शक्ति के सामने जब ऐसी बातें आती हैं, दुखी तो होता ही है दिल, लेकिन साथ में बहुत गुस्सा आती है मुझे, क्योंकि दुख करने की बात नहीं है, जो चीज़ हम रोक सकते हैं उसको हम रोकना नहीं चाहते, और जो चीज़ हम कर सकते हैं उसको हम करना नहीं चाहते। थैलेसीमिक बच्चों के पेरेंट्स की भी एक बात मुझे बहुत कष्ट देती है, वो लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चे को थैलेसीमिया है, मतलब ये सरकार की भी ड्यूटी है, ये सोशल वर्कर की भी ड्यूटी है, ये समाज की भी ड्यूटी है कि हमारी मदद की जाए। वो कभी ये रियलाइज करने को, दो दो बच्चे हैं, तीन तीन बच्चे हैं एक एक फैमिली में, और उनको हम एडवाइस करते हैं कि भाई एक तो ये कि जब पता है तो आप क्यों इतने सारे बच्चे पैदा करते चले जा रहे हो, क्यों नहीं एक सिंपल सा टेस्ट करा लेते हो। तो कुछ बच्चे, कुछ तो पेरेंट्स हैं जो हमारी
हमारी बात सुनते हैं, मैं आज आपको सुबह ही का एक इंसिडेंट कोट करना चाहूंगी। सुबह चाचा नेहरू में आज हमने एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें मैंने यही कहा कि मैं आज आप सबको शपथ दिलाती हूँ। मेरे पास वीडियो भी है, हमने शपथ भी दिलाई सारे पेरेंट्स को। तो वो मेरी शपथ सुन के एक लेडी आगे आई, बोली मैडम मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये टेस्ट कराना है। आई वाज सो हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। उसको पूछा कि कितना समय हो गया, उसने कहा कि अभी 11 हफ्ते हुए हैं, तो आप मुझे बताइए इंदौर में कहाँ टेस्ट हो सकता है, मैं फौरन कराऊंगी। तो मतलब ये हमारे काम की पहचानो परिणाम है। ऐसे ही मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी जिससे कि जागरूकता चाहिए। छोटे छोटे इंसिडेंट हैं लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। मेरे पास एक पेशेंट है, वो दोनों बच्चों को थैलेसीमिया, वो मुस्लिम फैमिली है। तो 12 साल पहले उसकी मदर जब प्रेग्नेंट हुई थी तब उसका हमने अबॉर्शन कराया था। वो बीच में बिल्कुल गायब हो गई, मेरे पास आई नहीं। सडनली 12 साल बाद मुझे फ़ोन करती है कि मैडम मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और कैरिंग चाइल्ड को भी थैलेसीमिया निकला है, मैंने वो जाँच भी करा ली है जो आप बताती हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे अबॉर्शन करूँ। मैंने फिर उसका अबॉर्शन करवाया। तो आप मुश्किल कितना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि जब किसी को ठोक पीट के बार बार कुछ कहा जाता है तो उसका असर आना शुरू होता है। मेरे दिल की बात जो आपने मुझसे पूछी, मेरे दिल में एक ही चीज़ है कि सरकार जल्दी से जल्दी ये नियम बनाए। कम से कम मैं पहले तो मामा जी से रिक्वेस्ट कर दूँ, उसके बाद मोदी जी से भी करूँगी, क्योंकि आपका जो माध्यम है ये बहुत बड़ा है। तो मामा जी से कितनी बार मैंने उनको ज्ञापन दिया, अभी आप भी थे हमारे उस प्रोग्राम में अक्टूबर में जो हमने किया था, उसमें भी हमने ज्ञापन में यही सब चीज़ें लिख के दी हैं। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। इंदौर हर क्षेत्र में नंबर वन आ रहा है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, 99% सुबह वो पब्लिश होगा। उसमें मैंने यही लिखा है कि क्यों नहीं इंदौर इस क्षेत्र में भी नंबर वन बने, सारे युवा आगे आके थैलेसीमिया स्टेटस रिपोर्ट अपने साथ रखें, सरकार ये एक नियम बनाए कि एंटीनेटल टेस्ट भी गायनेकोलॉजिस्ट को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के ऊपर हम जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, वो सब हम कर पाएंगे। चलिए बहुत बड़ी बात है, अब हमें अगला कदम ज़रूर यहाँ पर बढ़ाना है, लेकिन साथ में थैलेसीमिया स्टेटस रिपोर्ट को भी यहाँ पर तैयार करना है। उसकी पूरी पूरी जागरूकता, उसका पूरा पूरा कहा जा सकता है अवेयरनेस जो है वो हमारे भीतर होना चाहिए, ताकि इसका सोसाइटल इम्पैक्ट पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, हमारे समाज में देखने को मिले। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के मौके पर डॉक्टर रंजीत भंडारी जी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की है। मैडम जाते जाते यदि कोई नवयुगल ये टेस्ट कराना चाहे तो कहाँ जा सकता है, क्या कोई ऐसे डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं? बहुत सारी जगह होते हैं हमारा लैब्स में लैब्स में होता है, और काफ़ी मेरे ख्याल से 150 या 200 रुपए लगते हैं, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट कराइए, उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो 500 से 700 रुपए में हो जाएगा। और एक बात मैं यहाँ और कोट कर देती हूँ, क्योंकि सारे लोग मेरी बात को सुनेंगे। हमने एक बार कैरियर डिटेक्शन कैंप किया था, तो उसमें पकड़ पकड़ के हमने लोगों के टेस्ट कराए, तो ठीक है कैंप तो हो गया, हम ज़्यादा खुश नहीं हुए कि बहुत मुश्किल आया। लेकिन उसके बाद सडनली एक मुझे फ़ोन आता है, और एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम मैं आपके घर आके आपसे बात करना चाहता हूँ। वो कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, ही वॉज वेरी स्मार्ट। उसने मुझसे कहा कि मैडम आपकी मुझे एडवाइस चाहिए एक बात पे। मैंने बोला बताओ क्या बात है। उसने कहा कि मैडम मैं थैलेसीमिया कैरियर हूँ और मेरी शादी जिससे होने वाली है, मैंने उसके साथ एक ही शर्त रखी कि अपना तुम स्टेटस रिपोर्ट पता करो, तो वो लड़की नहीं करवाना चाहती, तो क्या मैं शादी करूँ उससे? तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम उससे शादी मत करो। और सच में उसने उस लड़की से शादी नहीं की। तुम ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सिंपल ब्लड टेस्ट कह रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर जिसको आपको बनाना है और वो उस चीज़ के लिए भी एग्री नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं समझती कि आगे आपको वो। तो उस बात को लेके भी मुझे लगा कि नहीं, वो कैंप किया था उसका, देखो आफ्टर इफेक्ट कितना बड़ा हुआ। एक व्यक्ति ने मेरी बात मानी, वो एक व्यक्ति 10 लोगों को बताएगा, और इस तरह से हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। चलिए एक जागा तो पूरी दुनिया जाग जाएगी। कुछ ऐसी ही लड़ाई है ये थैलेसीमिया के खिलाफ, कि हमें थैलेसीमिया फ्री इंदौर से थैलेसीमिया फ्री इंडिया तक का सफर तय करना है, ताकि इस गंभीर बीमारी को जो है समाज से, देश से, दुनिया से दूर किया जा सके। और केवल जागरूकता यहाँ पर रखनी है, थैलेसीमिया स्टेटस रिपोर्ट को आप तैयार रखिए, और आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई चुनौती ना आए,
इन्हीं उम्मीदों के साथ हम इस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर ये खास संदेश आपको दिए जा रहे हैं। जैसा कि मैडम डॉक्टर रंजीत भंडारी जी लगातार बता रही हैं कि एक छोटी सी जांच के बाद जो है आप अपने जीवन में अगला कदम आगे बढ़ा सकते हैं, और जाहिर सी बात है यदि हम जागरूक हो जाएंगे तो समाज में एक जागरूकता का अलख भी जागेगा और थैलेसीमिया एंड चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप की जो तमाम कोशिशें हैं वो भी रंग लाएंगी और उसका एक सकारात्मक परिणाम जो है आने वाले कल में पूरे देश और समाज पर भी दिखाई देगा। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर ये थी एमपी न्यूज़ की खास पेशकश। आपको ये खास बातचीत कैसी लगी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ इस खास सेगमेंट में जुड़ी समाज सेविका डॉक्टर रजनी भंडारी जी, जिन्होंने बहुत सारी अनमोल बातें हमारे साथ और एमपी न्यूज़ के दर्शकों के साथ साझा की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।